तो स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कार्यक्रम के रूल्स और रेगुलेशंस। हाँ, तो रूल नंबर वन है, अपने गानों में हेडफोन टू से लेना, ना तो तुम्हारा सामना हो सकता है ऐसी गालियों से। रूल नंबर टू है, हाँ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ना तो भाव तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और जल्दी कर दिया तुमने सब्सक्राइब। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं इन मोहतरमा और इन शख्स के बारे में। तो ये शख्स, इनका नाम तैमूर है, और ये मोहतरमा, इनका नाम नौरा है। नौरा है। और ये जो नौरा मैम है, इन्हें इनसे शादी करनी थी तैमूर अंकल से। तो तैमूर अंकल की मम्मी ने रिफ्यूज कर दिया इनका निमंत्रण। शादी की जो बात चल रही थी वो रिफ्यूज हो गई। लेकिन एक इंटरव्यू में इन्होंने फिर से कहा कि हमें शादी करनी है। तो वो इंटरव्यू मैं दिखा दूंगा तुम्हें अभी इसी वक्त। तो इंटरव्यू चला दो। Hi, Nora. Hi. Oh, what an intro. I mean, I know, of course, you have a fan in me too, because I think I've never seen anyone, you know, kind of move like that. I think both Saif and me, whenever we see your songs, we're always like, oh my God, I don't know how this woman just does it. Thank you. I'm hoping that maybe, you know, soon when Taimur gets older, maybe we can think about an engagement or a marriage. So, ab tumne interview dekh liya. तो हम बात करते हैं इन शख्स और इन मोहतरमा के बारे में, जिनका नाम है लौड़ा मैम और इनका नाम है तैमूर। तैमूर, हाँ। तो क्या था, बस ये मैं तुम्हें इतनी सी इन्फॉर्मेशन देने आया था यहाँ पे कि इनके बारे में, ये जो शादी वगैरह होने वाली है। लेकिन एक पुरानी प्रथा चलती आ रही है भारत में कि जब भी कुछ उल्टा सीधा सा होता है तो उसके ऊपर मीम बनने चालू हो जाते हैं। तो कुछ मीम्स देखे थे मैंने, लेकिन मैं कॉपीराइट की वजह से उन्हें दिखा नहीं सकता, सीन हो जाएगा ना। तो यार अभी ग्रो करना शुरू हुआ अपना चैनल, तो इसलिए कह रहा हूँ। तो थम जाओ, थोड़ा सा थम जाओ। तो मेरी वीडियो को तुम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखी ना तुमने तो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे। और मैं यहाँ बता देता हूँ कि भारत में सिर्फ दो से तीन चीजें ही फेमस है। एक तो ये तैमूर, एक कपिल शर्मा शो, और नंबर वन पे हमारे कैरी मिनाटी सर, जो कि हमारे गुरुजी हैं। तो ये भी बता देना कमेंट में कि मैं अगली रोस्टिंग किस पे करूँ। तो मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ मैं किस किस पे करूँगा। जैसे कि मिटपैद हो गया, नहीं बेकार, उस पर रोस्टिंग करना बहुत मुश्किल है, आइला जादू हो जाएगा ना तो मेरे साथ। हाँ, तो अब मैं बता देता हूँ दूसरे शख्स का नाम, ट्रिगर्ड इंसान नहीं, उसकी वीडियो तो मैं खुद ही देखता हूँ, नहीं ट्रिगर्ड इंसान कैंसिल। तो स्ले, क्या था उसका नाम, स्ले पॉइंट, नाम भी याद नहीं था। हाँ, स्ले पॉइंट, वो दो पता नहीं लड़का लड़की, नहीं कैंसिल बेकार, उनकी वीडियो पर रोस्ट नहीं करना। तो और कौन है, कैरी मिनाटी, वो तो गुरु जी है हमारे, नहीं कैरी मिनाटी को नहीं करना। तो और किस पे, और तुम बता देना कमेंट पे किस पे कर सकता हूँ, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। तो अब शुरू करते हैं आज की टॉपिक, जो कि है तैमूर और नौरा मैम के बीच में। तो इन नौरा मैम को पता नहीं क्या जोश चढ़ा था कि इनके साथ शादी करना इन्हें जरूर बनता था। तो इन तैमूर ने रिफ्यूज कर दिया, इसका मतलब इन्होंने तो रिफ्यूज नहीं करा होगा, इनकी मम्मी ने रिफ्यूज कर दिया होगा, बिकॉज हीज गैंग आर सो मोटा गैंग, पैसे वाले हैं भाई वो, मोटे रकम आती है उनके पास, है ना, इनके पास तैमूर के पास, तो ये बड़ा वाला कॉम्प्लेन लेने जाएंगे जिससे इनका बड़ा होएगा कद इतना होगा, ठीक है, इन्हें तो कॉम्प्लेन की जरूरत नहीं है। तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये और ये शादी हो जाएगी, इसका मतलब जब तक ये बुढ़े हो जाएंगे तब तक ये जवान होंगे। तो जवान अभी ये इतना खूबसूरत है बिल्कुल मीठों की तरह, तो ये बड़े होकर कितने मीठे बन जाएंगे, ये तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, खूबसूरत वाले लुक में लगेंगे ऐसे। तो तैमूर अंकल तुम अब यहीं पे थम जाओ थोड़ी देर,
कि तुम डोरीमोन देखो, तुम्हें गैजेट की जरूरत है, बिग लाइट लेके आना, अपना बिग कर लेना कद, ठीक है, कद बिग करना है तुम्हें, इतना से इतना कर लेना, ठीक है, तभी तुम नोरवैम से शादी कर पाओगे, ना तो ना कर पाओगे, निकलो यहाँ से। तो नोरवैम तुम भी इनके ख्वाब, क्या ख्वाब होते हैं, नहीं ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि ये अभी 4 साल के बच्चे हैं और तुम 28 साल की हो, तो जब 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 ये 18 साल के होंगे, आज से 14 साल बाद, तो आज से 14 साल बाद तुम हो जाओगी 42 साल की, और जब ये शादी करने के लायक होंगे, लेकिन इनका पता नहीं कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे 18 साल में, 21 साल भी हो सकते हैं, 22 साल भी हो सकते हैं, तो तुम 46 की हो सकती हो, या फिर इन्हें 24 साल में करना है, 24 साल में करना है शादी, तो तुम कितने साल की हो जाओगी, तुम 50-48 के पास हो जाओगी, तुम छोड़ दो ख्वाब, मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ एक शख्स से जिससे तुम शादी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, जो कि है ये, ओ हटाओ हटाओ, ये नहीं ये नहीं, मैं बाद में मिलवा दूंगा तुम्हें, इंस्टाग्राम पे मिलवा दूंगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना। तो अब इंस्टाग्राम की बात हो गई है, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप उनको भी फॉलो कर लो यार, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाके कर लो। हाँ, तो अब करते हैं वीडियो ख़त्म, क्योंकि हमारे पास दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है वीडियो के अंदर कि क्या बोलें, वैसे तो बहुत कुछ आ रहा बोलने के लिए, जैसे कि लौड़ा, लहसुन, गांड, ओह नहीं, पिछवाड़ा, चूतड़, बहुत बोलने की चीज़ आ रही है, लेकिन वो मैं बोल नहीं सकता ना, तो तुम्हें ऐसे की तैसी कर दोगे मेरी। तो अब लास्ट चीज़ तो रह गई, मेन चीज, अगर गलती से इन दोनों की शादी भी हो जाती है, तो नोरा मैम को आता होगा थोड़ा बहुत बोलना बच्चों के साथ, लेकिन अगर इन्हें पूरा बच्चों के साथ बोलना सीखना होगा, अभी इनकी शादी होगी तो, जब ये 4 साल के और ये अभी 28 साल के, अभी इनकी शादी होगी तो इन्हें बच्चों के साथ बोलना सीखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक अंकल जी को लेके आया हूँ कि जो बच्चों से बोलना सिखाएंगे। चलो भाई वीडियो चलाओ इनकी। Can you say hi? Yeah, g'day and welcome to this instructional video on how to talk to a baby. Now a lot of people think when you talk to a baby that you need to go like, oh hello, how are you? Did you have a good sleep? Yeah. We're in reality, you know, they're just a human like us, so you can just talk like this. Hey, you're cool if we like just keep making these videos till you're like 20, yeah? That's a yes. And you think, hey, you think these videos are funny, yeah? You think like me, Dad, making these videos is pretty funny, yeah? And that was how to talk to a baby. High five. That's it. वेरी गुड अंकल जी, तुमने सिखा दिया कि बच्चों के साथ कैसे बोला जाए, लेकिन जब बच्चे को कुछ करने का मैंने कहा जी बच्चे का बच्चे खड़ा होगा, तो वो भी सिखा दो इन्हें जरा। तैमूर अंकल ध्यान से देखना, नर मैम पहली फुर्सत में निकलो, तो तैमूर अंकल ध्यान से देखना। No, no twerking, no twerking. Oh wow, what's the inspiration? Inspiration मेरी इंग्लिश तो बिल्कुल टट्टी है, तो हाँ क्या बढ़िया चीज सिखाई इन्होंने अंकल जी ने। और अंकल जी अब तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो भाऊ पहली फुर्सत में इन्हें निकाल दो। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा, खाता इधर का गाता है उधर का, मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर लौड़े, चल मादर चोत। तो अब करते हैं वीडियो खत्म, और वीडियो को खत्म करने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें मजा आया तो, ऐसी टकाटक वाली वीडियो देखनी है तो, और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो, और मैं मिलता हूँ अपने दूसरे चैनल पे नहीं, अपने दूसरे वीडियो में, तो तब तक के लिए हिंदी बोलना सीखते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे हिंदी बोलनी आती है और मैं तुम्हें हिंदी बोलना सिखाऊंगा, तो तब तक के लिए टाटा टट्टी करने जाओ।